इसका सेकंड पॉइंट है सेकंड अभी है, मैंने आपको बताया कि इम्फेटिक प्रोनाउन कैसे नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन में रहता है हमेशा और सेकंड एग्जांपल है हमारा द इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इम्फेस द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इट मीन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो किस पर इम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट पर इफ इट इम्फेसाइज सब्जेक्ट इट इज़ प्लेस्ड आइदर आफ्टर द सब्जेक्ट और एट द एंड अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहा है तो ये किसके बाद यूज होगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ किया जाएगा या सेंटेंस के लास्ट में बिल्कुल लास्ट में यूज़ होगा जैसे हमारा एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी देखिए यहाँ किस पर एम्फोसाइज कर रहा है ये प्रिंसिपल के पर कर रहा है इसलिए ये जस्ट प्रिंसिपल के बाद यूज़ हुआ है और अगर इसके अलावा हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं लाइक like दैट प्रिंसिपल स्पोक टू मी हिमसेल्फ इट मीन्स अगर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद या लास्ट में यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स ये एज अ इम्फेटिक प्रोनाउन का वर्क कर रहा है और ये किस पर एम्फोसाइज कर रहा है सब्जेक्ट पर इम्फोसाइज कर रहा है थर्ड पॉइंट है इसका इफ़ इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इंफेसिस द ऑब्जेक्ट इस मस्ट फॉलो द ऑब्जेक्ट लेकिन अगर इम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर इंफोसाइज कर रहा है तो ये उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज़ होगा जैसे आई मेट द क्वीन हर सेल्फ यहाँ ये किस पर इम्फेसाइज़ कर रहा है क्वीन पर कर रहा है तो इसलिए इसके बाद क्यूइन के बाद यूज़ हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो इम्फेटिक प्रोनाउन यूज है तो इट मीन्स यहाँ ही हमारे ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है उस पर इंफेसाइज़ कर रहा है और अगर सब्जेक्ट के बाद है या सेंटेंस के लास्ट में है तो इट मीन्स इट इम्फेसाइज सब्जेक्ट आई होप कि आपको इम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आ गया होगा इम्फेटिक प्रोनाउंस नाउन और प्रोनाउन के हमेशा अपोजिट में रहता है वन आइडेंटिफिकेशन के ये हमेशा नाउन या प्रोना ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के लास्ट में होता है ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हो उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट के अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी इंफेसाइजिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद और सेंटेंस के लास्ट में और अगर इसमें इंफेसाइज ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद में मिलता है आई होप स्टूडेंट्स आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेसाइजिंग प्रोनाउन समझ आ गया होगा थैंक यू इन एवनाइज डे